नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज सागर जिले के राहतगढ़ नगर में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नेत्री नूरी खान जी का राहतगढ़ आगमन हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। वार्ड क्रमांक 14 इस्लामपुर मस्जिद के पास बैठक आयोजित की गई। साथ ही वार्ड क्रमांक 9 न्यू मदीना मार्केट झंडा चौक पर लोगों से रूबरू होकर विभिन्न विषय पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य नूरी खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान के कोने कोने में नफरतों का माहौल पैदा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कमलनाथ जी की सरकार को चुना गया था, लेकिन कुछ गद्दारों ने उस सरकार को गिराने का काम किया है। इस देश के लोकतंत्र के साथ चोट पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ जी की सरकार दोबारा बनेगी। गद्दारों का साथ सुर्खी विधानसभा की जनता कभी नहीं देगी। सुर्खी विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रही है और हमेशा सुर्खियों में ही रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हाजी मुन्ना चौधरी, बाबू सिंह लोधी, रईस कुरैशी, नंद किशोर, फहीम कुरैशी, कपिल अहिरवार एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं नगर के अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। सागर के राहतगढ़ से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। यदि आप यह वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आप Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज द खबरदार न्यूज़ को लाइक करें। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नहीं चल रहा है हिंदुस्तान में, कोने कोने में नफरतों का माहौल पैदा कर दिया गया है, और ऐसे में 15 साल बाद कमलनाथ जी की सरकार को चुना गया था, लेकिन कुछ गद्दारों ने उस सरकार को गिराने का काम किया है। इस देश के लोकतंत्र के साथ चोट पहुंचाने का काम किया है। मैं यहाँ पर मरकज मस्जिद के सदर साहब मुन्ना चौधरी साहब और सामने खड़े सारे बुजुर्गों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। और आज ऐसी सरकार को गिराने का क्या मतलब है? आप लोगों को जवाब मांगना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि राहतगढ़ गद्दारों के साथ नहीं था। राहतगढ़ पहली बार आने का मौका मिला। 9, 10, 11, 12 से 14 वार्ड में मैंने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर हुए हैं, और खासकर मेरा यहाँ आने का मकसद है कि अल्पसंख्यक बच्चे जो हैं उनमें शिक्षा और रोजगार की बातें की जा सके। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों को अगर निशाना बनाकर उन पर कानूनी गलत कार्यवाहियाँ की जाती हैं, तो ऐसे सारे विषयों को मैं अपनी जानकारी में लाना चाहती हूँ, और अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से मैं कोशिश करूँगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाइयों पर किसी भी तरह के झूठे प्रकरण दर्ज न किए जाएँ, उनकी संपत्तियों को नुकसान न पहुँचाया जाए। साथ ही मदरसा आधुनिकीकरण के तहत बच्चों के पास मदरसे एजुकेशन को लेकर जो पैसा आना चाहिए था, उसकी समीक्षा भी मैं करना चाह रही थी कि क्या हालात हैं यहाँ के, हालात शिक्षा के स्तर से बहुत पिछड़े हुए हैं, और चूंकि चुनाव भी आने वाला है, प्रत्याशी का जो जवाब है वो तो कमलनाथ जी और जो हाईकमान है वो तय करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग से आई हूँ, कि किसी भी तरीके से सरकार कोई सी भी हो, अल्पसंख्यक समुदाय पर ज्यादती या जुल्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुर्खी विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी तय नहीं किए गए, जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने, ये चुनाव का वक्त नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी करके सरकार को गिराया है। और रही बात प्रत्याशियों की, तो आदरणीय कमलनाथ जी सर्वे में जिसका नाम सबसे ज्यादा अधिक ऊपर होगा, जिसे आम जनता चाहती होगी, उसे मौका जरूर दिया जाएगा।